तो हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विकास और आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको गूगल पर भी सर्च नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपने बहुत चीज़ें ऐसी सर्च की होंगी जो यानी अब यूट्यूब पर सर्च की होंगी कि गूगल पर क्या सर्च ना करें। तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि हाँ साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हमें सब सर्च नहीं करना चाहिए और बाकी सब कुछ भी हमें सर्च नहीं करना चाहिए कि हम किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए या सर्च करो तो पुलिस आ जाती है तुरंत। तो ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बताने वाला, हमारा वीडियो पूरा अलग होगा दोस्तों। ये साइबर सिक्योरिटी, आईपी एड्रेस, ये सब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारा वीडियो पूरा अलग है, सिर्फ आपके रिलेटेड है कि आप सर्च ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में जो कि आप ना जाने तो ही सही रहेगा। और दोस्तों, उसी में से कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बस आप इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए और सर्च ना कीजिए ये चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है अपने सिम्टम्स। जी हाँ दोस्तों, आप बीमार होते हैं तो आपको सिम्टम्स चेक करने होते हैं कि यार कहीं मेरे को, अभी जैसा कोरोना वायरस चल रहा है, इसी का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोरोना वायरस चल रहा है, आप बीमार हो गए, आपको कोई नॉर्मल फ्लू है, बट आपने सर्च मारा यार कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या, तो कुछ कुछ सिम्टम्स देखो सही निकल जाते हैं दोस्तों। छींक आना, खांसी आना, बुखार आना, दोस्तों आप सोचोगे अरे यार मेरे को कोरोना वायरस हो गया। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि गूगल डॉक्टर नहीं है, वो नहीं बता सकता। आपको अपने रियल डॉक्टर से ही यानी जानकारी लेनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है। गूगल कोई डॉक्टर नहीं है, तो अब डॉक्टर गूगल से आप ये सब आप कभी मत पूछना, नहीं तो आपकी तबीयत ऐसे ही बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है ये सब सोच के। और दूसरी चीज़, तो दूसरी चीज़ भी ऐसी है दोस्तों, कैंसर। कैंसर को कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए दोस्तों। यानी कैंसर पेशेंट मान लीजिए आप हैं, भगवान अगर ऐसा हो, मान लीजिए आप हैं, सिर्फ सोच रहे हैं हम लोग दोस्तों, और वहाँ पर आप सर्च करते हैं कि यार मेरे को कैंसर है, आगे क्या होगा, ऐसे मैं थर्ड स्टेज या सेकेंड स्टेज पर हूँ, तो वहाँ पर आपको और डरा दिया जाएगा। हो सकता है आप डर जाएंगे दोस्तों, और कैंसर पेशेंट को तो ऐसे ही नींद नहीं आती, आप डर के मारे सो नहीं पाएंगे दोस्तों, आपकी नींदें छीन जाएंगी। तो दोस्तों, ये भी चीज़ आपको नहीं करनी है, मैं आपको मना करता हूँ। और जो तीसरी चीज़ है वो है कुछ भी क्रिमिनल रिलेटेड, जैसे कि अब बहुत लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट में, यानी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जैसे कि, तो वो लोग सर्च मार देंगे कि हाउ टू मेक बॉम्ब, हाउ टू मेक टाइम बॉम्ब, ऐसा कुछ। तो दोस्तों, ये चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज़ें क्रिमिनल रिलेटेड है। और यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको यानी ट्रैक करती हैं, वहाँ पर आपका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जाएगा, आपके सर्चेस ट्रैक किए जाएंगे, और आप तो नहीं चाहोगे कि आप अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से किसी ट्रबल में फंस जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जो यानी ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं जो कि सच में बॉम्ब्स बनाने का सब करती हैं, वहाँ पर आपके डेटाबेस को वो लोग चेक कर लेंगे, उनके डेटाबेस में अगर आपका नाम आ गया तो आप फंस सकते हैं दोस्तों। और चौथी चीज़ ये है दोस्तों, डेंजरस एनिमल्स कभी भी सर्च नहीं करना दोस्तों, क्योंकि डेंजरस एनिमल्स दोस्तों दुनिया में इतने ज़बरदस्त एनिमल्स हैं ना दोस्तों, इतने डेंजरस हैं, अगर आप देख लेंगे तो आपकी नींदें छिन जाएंगी। और दोस्तों, हो सकता है आपको एक फोबिया हो सकता है किसी भी एनिमल से, या फिर आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाए, आप कभी भी ट्रैवलिंग ना करना चाहेंगे दोस्तों, इतना आप डर जाएंगे, तो ये चीज़ भी कभी सर्च ना करें। और जो पाँचवीं चीज़ निकल के आती है वो है दोस्तों, टोबैको यानी किसी भी टोबैको पेशेंट के लंग्स। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं, नहीं भी करते तो आप मान लीजिए, चलो सोच लो सिर्फ करते हैं, तो दोस्तों अगर आप सर्च करते हैं कि यार मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं लंग्स में ऐसा होता है वैसा होता है, सर्च करके देखता हूँ, सर्च करके कभी मत देखना दोस्तों। ये इमेजेस कुछ ऐसी होती है ना, इतनी ज़्यादा डरावनी इमेजेस होती है कि गूगल खुद यहाँ पर कुछ इमेजेस को नहीं दिखाता है दोस्तों, और मैं भी यहाँ पर एक भी इमेज इसीलिए आपको दिखा नहीं रहा हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप सर्च मत करना। हाँ, अगर आप बहुत स्ट्रांग आदमी हैं और आप क्विट करने के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और जो सिक्स चीज़ निकल के आती है, देखिए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अब देखिए, आपने टेलीविज़न में बहुत बार देखा होगा कि औरत चिल्ला रही है यानी कि, और कैसा मंजर रहता है उस टाइम पर जब कोई यानी बर्थ होने वाला होता है एक चिल्ड्रन का। तो दोस्तों, उस टाइम पर अगर आप देखेंगे पिक्चर में, वो कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और अगर आप असली में गूगल में देखेंगे तो वो उससे 100 गुना ज़्यादा यानी तकलीफजनक होता है। और अगर आप कोई फीमेल है तो आप किसी बच्चे को यानी जन्म भी नहीं देना चाहेंगे, इतना यानी डरावना होता है वो चीज़। तो ये चीज़ें भी आप सर्च ना करें दोस्तों, ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। और दोस्तों, एक और चीज़ है जो कि स्किन इन्फेक्शन। तो स्किन इन्फेक्शन के बारे में भी यानी आप सर्च ना करें, क्योंकि दोस्तों कुछ स्किन इन्फेक्शन इतने ज़्यादा बुरे दिखते हैं कि उन्हें देखने के बाद भी आप समझ जाइए दोस्तों। और जो एक और चीज़ है वो है दोस्तों, बेड बग इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ही कुछ है दोस्तों। तो बेड बग के जो बाइट्स होते हैं उन्हें भी आप चेक ना करें, वो भी आपके लिए यानी अच्छा नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है, और अगर आप उसे सर्च करेंगे तो उसमें भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बुरी दिखती हैं, लोग उन्हें नहीं झेल पाते हैं,
और वो उन चीज़ों को आपको सर्च नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सर्च ना करें। तो दोस्तों जो दूसरी चीज़ आती है यानी लास्ट टू सेकंड चीज़ है वो है ब्लैक हेड रिमूवल। अब दोस्तों हमें ब्लैक हेड रिमूवल क्यों नहीं सर्च करना चाहिए, तो ये मैं नहीं जानता क्यों नहीं करना चाहिए। शायद ब्लैक हेड को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता होगा जो कि हम नहीं देख पाएंगे। और जो लास्ट चीज़ निकल के आती है वो है अपना नाम। तो अपना नाम क्यों नहीं सर्च करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हमें हम किसी भी वेबसाइट पर जाए, कहीं पर भी कितनी भी ट्रस्टेड हो, बट हमें अपनी इन्फॉर्मेशन हाँ नहीं देनी चाहिए दोस्तों। अब गूगल को हम सर्च करेंगे, गूगल पे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी चीज़ें, अपना पासवर्ड, ये सब नहीं सही है दोस्तों। गूगल एनालाइज करता है उन सभी चीज़ों को और वो सेव करता है अपने ही डेटा बेस में और हमारे भी यानी फाइल में कि आप क्या सर्च करते थे आपको पता हो तो। और दोस्तों प्राइवेसी हमें पकड़ के चलनी चाहिए अपनी, कि प्राइवेसी बहुत सेफ है और हमें कहीं पर भी अपने नाम ये सबको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए आपने सर्च किया अपना नाम, कुछ ऐसा ऐसा निकल के आ गया, कुछ ऐसा ऐसा चीज़ आ गया जो आप नहीं झेल पाए, आपके जैसा कोई बुरा आदमी हो, आपके जैसा कुछ भी उल्टा पुल्टा आ गया दोस्तों, आपके नाम से कुछ लोग कुछ भी अपलोड कर देते हैं दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आया तो आप झेल नहीं पाएंगे, आप उसे डिलीट करना चाहेंगे, बट आपने पोस्ट अपने अपलोड किया नहीं है तो आप डिलीट कर नहीं सकते हैं दोस्तों। ऐसी कुछ बातें होती हैं और इसीलिए आप ना जाने तो ज़्यादा सही है दोस्तों, अपना नाम ना सर्च कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, 30 लाइक्स का लाइक टारगेट है। और जो कुछ मैं मांगने वाला हूँ बस आपका सपोर्ट और प्यार मांगूंगा, हो सके तो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को शेयर करते जाना, कमेंट करना कुछ भी हो सवाल तो, और कमेंट अच्छा लगा तो पिन कर दिया जाएगा, और बाकी हर्ट और लाइक तो मैं करता ही हूँ सबके कमेंट्स। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।